هلا اجا الزعيم العظيم على دين ماذا فقر الشعب يقول اني حاكم كريم. गाइज जो आज की वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और साथ में सुपर इन्फॉर्मेटिव है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर जो है बहुत ही एक्सपेंसिव एप्पल प्रोडक्ट्स है और उनके अफोर्डेबल ऑप्शन में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो मैं आप लोग को श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। तो अगर आप अफोर्डेबल एप्पल ऑप्शंस ढूंढ रहे हो ये वीडियो आपके लिए। गाइज ये एयरपोर्ट मैक्स है ना सच में बहुत ज्यादा कमाल के, इनको पहनने के बाद बिल्कुल आवाज नहीं आती यार। ये जो एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो है ना बहुत सही है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है, फ्लिपकार्ट पे 21,500 के मिल रहे हैं और जो एप्पल है वो 25,000 रुपए के बेचता है। लेकिन अगर मैं इसके चीप अल्टरनेटिव की बात करूं तो ये देखो ये है बोट एयरडॉप्स 281 प्रो। अभी जो है ये आउट ऑफ स्टॉक होंगे क्योंकि ये इतने ज्यादा अच्छे है कि लाइक ये आते ही स्टॉक में लोग इनको खरीद लेते हैं। मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो इनका डिजाइन है और इनकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है और जो इन बोट वाले TWS का साउंड सिग्नेचर है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं ये कह सकता हूं कि लाइक एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो भी और ये भी दोनों बहुत कमाल का साउंड करते हैं और ये सिर्फ 2,000 रुपए के है और मैं मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि क्यों ये आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं क्योंकि सच में इनका बैटरी बैकअप देख लो या फिर इनका साउंड सिग्नेचर, हर एक चीज बहुत कमाल की है। मैकबुक एयर कौन यूज करता है? जो किसी कंपनी का फाउंडर हो या फिर जो पोर्टेबिलिटी को समझता हो और स्टारबक्स की कॉफी पीता हो, मैकबुक एयर। तो गाइज ये है मैकबुक एयर, ये जानी जाती है लाइक अपने पतले और स्लीक डिजाइन से, सच में बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है और केपेबल मशीन है एप्पल की। ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ उन लोगों ने, 90,000 रुपए का आता है और उसकी जगह पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये है रियलमी बुक और ये गाइज एग्जैक्टली सेम है। मैं अगर साइड बाय साइड भी दोनों लैपटॉप को रखूँ ना एप्पल वाले और रियलमी को, आप लोग को पूरे की पूरी रिजेंबल होते हुए दिख जाएंगे ये, खासकर कीबोर्ड ट्रैक पैड इनके लेफ्ट राइट हर जगह से ये लाइक पूरा सिमिलर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी गई है। और मैं आप लोग को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये 45,000 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर जो है मेजर हीटिंग इश्यूज है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते रहोगे तो वो माइंड में रखना है। बट इसकी जो डिस्प्ले है और जो क्वालिटी है मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइस, ये बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर रियलमी ने, खासकर दिखने में तो बहुत फैंटास्टिक प्रोडक्ट बनाया है और ये ब्लू कलर में बहुत मस्त लगता है, तो इसको भी चेकआउट करना। और गाइस ये जो है ना एप्पल की लाइक पावरफुल मशीन है जो अगर किसी को बहुत हाई एंड काम करना है तो मैकबुक प्रो खरीदता है। इसका मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, ये है मी नोटबुक अल्ट्रा और ये i7 तक हमें देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस जो है 60-70,000 रुपए करीब करीब रहता है, लेकिन सच में पावरफुल मशीन है विंडोज के अंदर, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर पूरा रिव्यू बनाया हुआ है। गाइस ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो के नीचे लाल बटन को जोर से दबा दो और आपको जो ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सीरी मेडिटेशन वाला म्यूजिक चलाना। आम को इंटी नहीं आता है, 10,000 देके हमारे सर पे मत चढ़ो। मेरे को नहीं करनी यार मेडिटेशन। होमपोड मिनी की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मैं इस एप्पल डिवाइस को बड़ा हेट करता हूं, मुझे बहुत यूजलेस लगता है। बट मैं अगर फेवरेट इसके चीप अल्टरनेटिव की बात करूं तो ये है एलेक्सा एको डॉट 4th Gen और बहुत ज्यादा कमाल का यार, ये हिंदी भी समझता है ये वाला जो स्मार्ट असिस्टेंट है और इससे जो आपका पूरा का पूरा घर स्मार्ट कन्वर्ट हो सकता है अगर स्मार्ट अप्लायंसेस खरीदोगे तो। और ट्रस्ट मी गाइज ये लाइक बच्चे तक यूज कर सकते हैं और इनकी आवाज भी इतनी अच्छी है गाने सुनने के लिए और ये एक्चुअली में वर्क करता है उसकी तरह नहीं लाइक वो मेरे को पता है अमेरिकन के लिए बनाया किसके लिए बनाया, बट हाँ मैं आप लोग को बता सकता हूं कि जो एलेक्सा एको डॉट है अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको ये खरीदना चाहिए। फिलहाल ये जो है ना 3,500 रुपए का मिल रहा है और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे स्मार्ट होम कन्वर्ट कर सकते हो, चेकआउट जरूर करना, मजा आ जाएगा आप लोग को। गाइस जब से 45,000 रुपए की एप्पल वॉच ली है ना भाई फिटनेस गेम तो नेक्स्ट लेवल चला गया है सीरियसली। टाइम क्या हुआ है? मेहनत तो करते रहना। एक बात गाइज आप लोग को क्लियरली बता देता हूं कि एप्पल वॉच का कोई कंपटीशन नहीं है, ये बेस्ट स्मार्ट वॉच है इस अर्थ के ऊपर। और हाँ भाई एप्पल ने बहुत साल मेहनत करी है तब जाके ये इतना फाइन प्रोडक्ट ये बना पाए है और ये बहुत लोगों की लाइफ भी बचाता है, हार्ट अटैक बताता है अगर आपको आने वाला होगा तो, लाइक प्रिडिक्ट कर सकता है ये बहुत अच्छी मशीन है यार, इसको को मतलब कंपेरिजन नहीं कर सकते। बट मैंने इसका एक चीप ऑल्टरनेटिव 100% ढूंढा है जो कि है डीजो वॉच प्रो, 4,200 रुपये की आती है और इसकी एक और वॉच है यहाँ पर
रियलमी की तरफ से, और वो भी मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और वो 5,000 रुपए की आती है और एग्जैक्टली सेम दिखती है दोनों, क्योंकि सब ब्रांड है डीजो। बाकी मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड्स भी बहुत सारे हैं 90 के अराउंड, और ऊपर से यहाँ पर हमें डुअल GPS भी देखने मिल जाता है, SPO2 सेंसर भी है, और कमाल की फंक्शनैलिटीज काफी सारी देखने को मिल जाती है। तो हाँ भाई, अगर आप 4,200 रुपए का लेना चाहते हो तो भाई ये वॉच 100% ले सकते हो, बट ये आईफोन के साथ इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं देती है, एंड्रॉइड के साथ फिर भी चल जाएगी। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है 5,000 की रियलमी वॉच 2 प्रो है, जो कि बहुत मस्त फंक्शनैलिटी लेकर आती है, कमाल की कंपैटिबिलिटी लेकर आती है। आप वो वॉच खरीदना गाइस अगर 5,000 रुपए दे सकते हो तो, नहीं तो 4,200 रुपए में ये बहुत मस्त चीज है। भी आईपैड के ना अपने फायदे है, मेरे अंदर का आर्टिस्ट पूरा बाहर आ चुका है इसकी वजह से, और मैंने ऑलमोस्ट अपनी पेंटिंग डन कर दी है, बना दी। वैसे गाइस जो आईपैड की शुरुआत है ना वो 30,000 रुपए से हो जाती है, 9th Gen अभी आया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज्यादा कमाल का है। लेकिन जैसे कि ये बात करते हैं जो प्रो वगैरह होते हैं, फिर आईपैड M1 वाले हैं, वो 70,000 रुपए तक जाते हैं। अगर आपको जो है चीप ऑल्टरनेटिव देखना है तो गाइज ये है रियलमी पैड, और ये 14,000 रुपीज का आता है। और ट्रस्ट मी गाइज, अभी जो है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर ये बहुत कमाल का टैबलेट चल रहा है, क्योंकि 14,000 में जो है मीनाटेक G80 लेकर आता है, जो कि लाइक स्मूथ परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है। और भाई आज से पहले जितने भी मतलब टैबलेट आए हैं ना, वो बहुत बुरे परफॉर्म करते थे, सुपर डुपर लैग लेकर आते थे, और घटिया डिस्प्ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा ब्लेंड बनाया है रियलमी ने, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसके रिव्यूज भी बहुत सही चल रहे हैं आजकल, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, और पूरा मिलता जुलता डिजाइन है यार इसका आईपैड से, कि वही स्क्वायर एजेस है सारे के सारे, और वही कलर है, बस थोड़े बहुत चेंजेस तो देखो करने पड़ते हैं जब आप कॉपी करते हो तो बट हाँ, यहाँ पर रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप इसको 100% चेकआउट कर सकते हो अगर आपको बजट में कोई भी टैबलेट चाहिए हो तो। 60,000 रुपीज एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स, क्या अमेजिंग वैल्यू के साथ आते हैं, और बहुत अमेजिंग है, ट्राई कर लेना। अरे गाइज इनको छोड़ो, इनके जैसा जो साउंड सिग्नेचर है ना, मुझे इनका मिला है, ये है बोट रॉकर्स 550। अगर मैं साउंड सिग्नेचर की बात करूँ ना, वो बहुत ही लाइक पर्सनलाइज सी चीज होती है, हर किसी का लाइक डिफरेंट टेस्ट होता है मतलब कोई भी गाना सुनने का, बट मुझे ये दोनों बहुत ही रिजेंबल करते हुए मिले, वही बेस है और कुछ वैसा सा ही ट्रेबल है। ऑब्वियसली यार ये 60,000 रुपए के है, तो जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, लेटेंसी है, थोड़ी सी बेटर 100% है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत ही मिलता जुलता है, जो कि मेन बात होती है हेडफोन्स में। और एक और आप लोग को बात बताता हूं कि ये जो 60,000 रुपए के है ना, इनके अंदर हेडफोन जैक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, और मैंने एप्पल प्रोड्स के साथ इनको कनेक्ट किया, और इनकी लेटेंसी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एडिटिंग कर पाऊं या कुछ भी देख पाऊं, तो वो 60,000 रुपए मेरे को बर्बाद लगे। तो उसकी जगह पे आप लोग इसको चेकआउट करना, इसका साउंड सिग्नेचर बहुत मस्त, और प्लस हेडफोन जैक भी है, तो ऑक्स केबल लगाओ और एडिटिंग करो, या फिर गाना सुनना चाहते हो आपके फोन में हेडफोन जैक है तो, भाई बहुत मस्त प्रोडक्ट है, और दिखने में भी बहुत ज्यादा कूल है, और जो इसके कुशंस है वो बहुत कंफर्टेबल है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, बट 2,000 रुपए में टू गुड प्रोडक्ट है। तो गाइस पैसा बचाना मेरा काम है, आप बताना कि आप लोग को इनमें से कौन से जो है ड्यूप्स बहुत ज्यादा पसंद आए, और आपके पास कोई था पहले, और अगर था ना तो उसके रिव्यू नीचे डालो, जिससे और लोगों की हेल्प हो, और मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत क्यूरियस हूं। मेरे को लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, जिससे जो है वाइड स्प्रेड हो सके कि कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और लोग अगर अपना पैसा बचाए तो वो बहुत समझदारी तो होती है भाई। यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है, अगर जो हो आप इसके थोड़े से और एक्सपेंसिव ड्यूब देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई है, आप यहां से चेकआउट करो, और अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो यहां से चेकआउट कर लो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में रखते हैं। अगली मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।